हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। दोस्तों, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज के बारे में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अगर फ्लैट लॉक्ड है तो लगना चाहिए, सोसाइटी इज चार्जिंग फ्लैट 200 और 300 एज ए नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज, एंड फ्लैट में कोई रिलेटिव रहता है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल है कि नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेरी जाती रहती है जो मैं लास्ट में हमारा एफएक्यू सेक्शन है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको एफएक्यू सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज क्या होता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स और क्वेरी है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वी विल चेक व्हाट इज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। फ्रेंड्स, एज यू आर सीइंग द स्क्रीन, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज आर अप्लीकेबल फॉर फ्लैट डेट आर नॉट ऑक्यूपाइड बाई द ओनर और हिज फैमिली एंड गिवेन ऑन द रेंट। तो दोस्तों, जो भी फ्लैट हमारा रेंट पे दिया हुआ है, आपने रेंट पे दिया हुआ है फॉर सम इनकम, तो वहाँ पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल है। और क्यों अप्लीकेबल है? एज पर मॉडल बायोलॉज नंबर 67A सेक्शन 10 एंड 43C, ये आप मॉडल बायोलॉज अगर आपके पास होगा तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों, जब भी आपको इस तरह की क्वेरीज आए, कभी भी कुछ भी सोसाइटी रिलेटेड, मेंटेनेंस रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पे भी डाल सकते हैं। व्हेन एवर आई विल फील फ्री आई विल रिप्लाई। बट उसके पहले आपको एक होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी के पास जा रहे हैं तो एक हेल्दी डिस्कशन हो, तो इसके लिए आपको उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लिया जा रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज इट्स मेंशन इन द बायलॉज भी एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी है, तो सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज ले सकता है। बट ये है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज करेक्ट लिया जाए एज पर गवर्नमेंट और मॉडल बायलॉज व्हाट रूल एंड एक्ट सेज। तो दोस्तों, मॉडल बायलॉज 67A सबसेक्शन 10 एंड 43C आप चेक करिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है अगर फ्लैट रेंट पे है तो सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज ले सकता है, एंड कितना ले सकता है वो मॉडल बायलॉज में डिफाइंड नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजन होता है मेंबर्स को भी, कमिटी मेंबर्स को भी, कि कितना लिया जाए। तो कहीं कहीं पे जानबूझ के या तो उनको जानकारी नहीं है इसलिए वो चार्जेज कुछ भी लगा देते हैं रैंडमली, 300, 400, 500 या परसेंटेज लिया जा रहा है तो वो भी रॉन्ग परसेंटेज लिया जा रहा है। तो परसेंटेज भी, किस चीज का परसेंट लेना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, सोसाइटी का जो सर्विस चार्ज होता है उसका 10% ये NOC अब सोसाइटी ले सकती है। मैं अभी आगे वो डिस्कस करूंगा उसका GR क्या है। तो दोस्तों, GR के पहले हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल बायलॉज 43A में टीनेंट्स के लिए या फ्लैट सबलेट के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जब भी फ्लैट रेंट पे देना है आपको, अगर आपके ओनर है फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को 8 दिन पहले, 8 डेज बिफोर, यू नीड टू इंटीमेट द सोसाइटी, मतलब एक इंटीमेशन देना है कि आप फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं, और फ्लैट का जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है एंड पुलिस वेरिफिकेशन वो भी सोसाइटी को सबमिट करना है। नेक्स्ट होता है 43B, बायलॉ नंबर 43B। यहाँ पे क्या बताया गया, परमिशन ऑफ सोसाइटी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, आपको सोसाइटी को इंटीमेट करना है कि आप ये फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं, बट उनके परमिशन अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप वो फ्लैट किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं और 8 दिन पहले आपको वो इंटीमेशन देना है। नेक्स्ट है 43C, इसमें क्या बताया गया, सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज आपको चार्ज कर सकती है, जैसे लिखा है ही शैल पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस टू द सोसाइटी, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस शैल बी लिव्ड इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट के न्यू सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं वो हमें जानकारी रहनी चाहिए कि लेटेस्ट में क्या बताया गया है, कितना परसेंट नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज सोसाइटी ले सकता है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताया गया, उसके लिए आपको GR को रिफर करना है, एंड वो GR क्या है, जो लास्ट GR आया हुआ है 1 अगस्त 2001 में GR का नंबर दिया हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड में कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाइए और वहाँ पे वो GR हमने रखी हुई है,
आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हेनेवर वी विल फ्री विल्ड रिप्लाई टू यू। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। दोस्तों नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अभी चार्ज कैसे करना है आपको मॉडल बायलॉज मैंने बता दिया कहाँ पे लिखा है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल है रेंटल फ्लैट पे। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जीआर सर्कुलर है वो आपको रिफर करना है, उसमें कितना परसेंटेज बताया गया है। तो जो लास्ट जीआर है उसमें 10% बताया गया है कि सर्विस चार्ज का सोसाइटी चार्ज कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका मेंटेनेंस बिल है उसमें सर्विस चार्ज या मेंटेनेंस चार्ज आप चेक करिए कितना बताया गया उसका 10%, ना कि इंटायर बिल का। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जो आपका बिल आता है उसमें सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, वाटर चार्जेज एक्सेट्रा, ये सारे हेड्स होते हैं। तो उस हेड्स में सिर्फ सर्विस चार्ज का 10% सोसाइटी चार्ज कर सकती है एज अ NOC नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। तो क्लियर हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको कि अगर आपका सोसाइटी का सर्विस चार्ज 1510 रुपये है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज 10% के हिसाब से 151 होता है। ओके, पूरे बिल का आपको 10% नहीं देना है, सिर्फ सर्विस चार्ज। अगर सोसाइटी ने आपको बिल का वेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है तो आप सोसाइटी को बोलिए भाई सर्विस चार्ज क्या है उसका 10% आप को देना है, ना कि पूरे बिल का। ओके, व्हेन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज नॉट अप्लीकेबल, ये बहुत कॉमन क्वेरी है, जनरली आती रहती है। जैसा कि मैं यहाँ पे बताया स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर फ्लैट में ऑक्यूपाइड बाई ओनर और हिज फैमिली तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल नहीं है। फ्लैट अगर लॉक्ड है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल नहीं है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, जो कि बहुत सारी जगह पे लोगों को मालूम ही नहीं है और या तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर कोई फ्लैट आपका कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो उस केस में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल है या नहीं, बहुत सारे क्वेरी मुझे आते हैं इसके लिए। तो उस केस में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो उस फ्लैट के ओनर्स कंपनी है उनको बोलना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन का मीटिंग दिखाओ हु आर द गेस्ट ऑफ दैट फ्लैट, कि उस फ्लैट में जो रहने वाले गेस्ट है उनकी लिस्ट क्या है, कौन वहां पे रहने वाला है, वो लिस्ट सोसाइटी को सबमिट करना पड़ता है। देन सोसाइटी कैन परमिट हिम टू एंड नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज नॉट अप्लीकेबल। अगर कंपनी ने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन नहीं दिया है देन यू कैन चार्ज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ फ्लैट ओनर रिफ्यूज टू पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज, इट्स अ सिंपल लाइक द डिफॉल्टर, अगर कोई मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करता है तो नॉन ऑक्यूपेंसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस बिल, तो आप उसको रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करिए थ्रू द रजिस्टर एंड यू कैनॉट टेक एनी अदर एक्शन कि आप फ्लैट खाली करा दे, उसके साथ बैड लैंग्वेज में बात करे एंड उसकी दूसरी सर्विसेज को आप स्टॉप करने की कोशिश करें, यू डोंट हैव एनी राइट। मतलब कमेटी को कोई राइट्स नहीं है, कमेटी को क्या राइट्स है, दे फॉलो द बायलॉज। बायलॉज क्या बोलता है, स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस थ्रू द रजिस्ट्रार, तो आपको वही करना है। देन सोसाइटी इज नॉट अ ओनर ऑफ द फ्लैट, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताइए सोसाइटी को, जैसे कुछ कमिटी को, सबको ऐसा नहीं बोला जा सकता, मोस्ट ऑफ द वेल एजुकेटेड एंड नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी, बट कुछ सोसाइटीज में ऐसी चलती है कि उनको लगता है पूरी बिल्डिंग उनकी है, कमिटी की, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर की, और वो जैसा बोलेंगे जैसा इंप्लीमेंट करेंगे वैसा रूल होगा, तो वो वैसा कुछ नहीं चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें चलती है रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा है फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो जैसे कुछ जगह पे ऐसा हुआ था टाइप ऑफ टीनेंट कुड बी अलाउड, तो सॉरी सोसाइटी कमिटी विल नॉट डिसाइड कि वहाँ पे टीनेंट कौन रहेगा और उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ ओनर। ओनर डिसाइड करेगा वो फ्लैट किसको देना है रेंट पे, एंड ही विल फॉलो द बायलॉज, ही विल फॉलो द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कि भाई रेंट एग्रीमेंट देना है, पुलिस वेरिफिकेशन करना है, ही विल सबमिट, बट वो किसी को भी दे सकता है। एंड सोसाइटी हैज नो लीगल ज्यूरिडिक्शन टू रिफ्यूज रिसाइडिंग राइट, तो सोसाइटी के पास कुछ भी राइट्स नहीं है कि वो मना कर दे कि भाई यहाँ पे ये टीनेंट्स नहीं रह सकता है, ही इज द पार्ट ऑफ ओनर, ओनर डिसाइड करेगा। एंड द सोसाइटी कांट रिफ्यूज द मेंबर फॉर कीपिंग अ टीनेंट इवन इफ मेंबर इज डिफॉल्टर, तो
कहीं कहीं पे ऐसे केस आते हैं कि जो मेंबर है वो साल 2 साल 4 साल से डिफॉल्टर है, पेमेंट नहीं देता है सोसाइटी को, मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप उसको ये अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? नो, यू कैन नॉट स्टॉप हिम, बिकॉज प्रॉपर्टी उसकी है, फ्लैट उसका है, वो रेंट पे दे सकता है. आप क्या कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्टर? यू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस थ्रू द रजिस्ट्रार, थ्रू द व्हाट बाइलॉज से, व्हाट द रूल एंड एक्ट से. ओके, एंड नेक्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. या कुछ बड़ी सोसाइटीज में ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सोसाइटी कमिटी के लोग अपने आप को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझ लेते हैं और एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, टीनेंट्स का इंटरव्यू लेना. तो मेंबर एंड टीनेंट, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोग को अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, आप सीधा डिनाई कर दीजिए. कमिटी के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि वो आपका इंटरव्यू ले फॉर लिविंग द फ्लैट, कि आपको फ्लैट में रहने के लिए उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा. डिनाई करिए, पुलिस कंप्लेंट करिए अगर कहीं पर भी ऐसा प्रोसेस अगर हो रहा है तो. एंड नेक्स्ट है, व्हाट फ्लैट ओनर कैन डू इफ नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस रॉन्गली चार्ज. ओके, तो अगर कहीं कहीं पे जैसा बहुत सारी क्यूरी आती है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज 100 रुपये चार्ज कर लेते हैं रेंडमली, 200 या 500, एंड कहीं कहीं पे ऐसा परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं, वो भी रॉन्ग परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं, 10% की जगह 15-20, कहीं कहीं पे रेंट का ही 10% ले लिया जाता है. तो अगर इस तरह के केस हो तो आप रजिस्ट्रार को अपने वार्ड के जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार, वहाँ पे कंप्लेंट करिए, पुलिस को कंप्लेंट करिए, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए एंड टेक द लीगल एक्शन, बट डू नॉट पे द रॉन्ग मेंटेनेंस, रॉन्ग नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज. एंड बैचलर टीनेंट कांट बी बैंड बाय द सोसाइटी, यस. एंड द जनरल बॉडी, जैसे कुछ सोसाइटीज में होता है कि सोसाइटी ने डिसाइड किया है बैचलर नॉट अलाउड, आप कौन होते हो? आप हु आर यू टू मेक द रूल? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ रूल रेगुलेशन बना के रखे हैं कि वो कहीं पर भी बंदा रह सकता है. आप की जो जनरल बॉडी है वो कोई भी नहीं है रूल रेगुलेशन बनाने वाली. तो अगर इसके खिलाफ मेंबर को अगर आप एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो केस कर सकता है. तो अगर इस तरह की कहीं पर भी रिजोल्यूशन पास हुआ है तो वो इलीगल हो जाएगा अगर मेंबर ने कंप्लेंट किया तो. आप इस तरह की चीजें जनरल बॉडी में नहीं कर सकते. जनरल बॉडी क्या है? जनरल बॉडी में आप वही रूल रेगुलेशन पास कर सकते हैं जो आपका मॉडल बाईलॉज रूल एंड एक्ट अलाउड करता है, उसके ऊपर आप अपना रूल नहीं बना सकते. ओके, आते हैं एफएक्यू में. तो एफएक्यू में जैसे हाउ मच सोसाइटी चार्ज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10%, ये कुछ क्वेरी है, कॉमन क्वेरी, मैंने जस्ट रैंडमली उठा लिया अपने ग्रुप से कि मेंबर्स के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. ऑलरेडी मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग से डिस्कस भी कर लिया है, बट अगेन आई विल रीड वन रीड ऑल द जो भी क्वेश्चंस हैं. तो सोसाइटी कैन बैन बैचलर टीनेंट्स? नो. सोसाइटी कैन बैन टीनेंट्स ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड रिलीजियस बेसिस? नो. फ्लैट इज लॉक्ड देन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल? नो. फ्लैट ऑक्यूपाइड बाई मैरिड डॉटर अप्लीकेबल फॉर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज? इट इज ऑल्सो नो. एट यू कैन सी द डिफाइंड द फैमिली मेंबर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, डॉटर, डॉटर इन लॉ. यू कैन रिफर डेट फैमिली एंड अकॉर्डिंगली डेट मेंबर कैन स्टे इन द फ्लैट. एंड नेक्स्ट इज द इन माई सोसाइटी वन ऑफ कंपनी इज परचेज बाई द फाइव फ्लैट बाई द कंपनी. ओके, इज द सेम केस. अगर किसी कंपनी ने फ्लैट खरीदा है तो वहाँ पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल होगा कि नहीं? तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन सबमिट किया हुआ है और लिस्ट ऑफ गेस्ट बताया हुआ है, तो वो लिस्ट ऑफ गेस्ट उस फ्लैट में रह सकते हैं. हाउ नेक्स्ट है, हाउ सोसाइटी लोकेटेड बोरीवली विच स्टार्टेड 19 नॉन ऑक्यूपेंसी 12% ऑफ रेंट? दिस इज द इलीगल. सोसाइटी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग कि जो रेंट है उसका 12% ले या 10% ले, ये रॉन्ग है. आप कंप्लेंट कर सकते हैं और डिनाई कर सकते हैं ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज पे करने के लिए. प्लीज कंफर्म अगेंस्ट विच बाई लॉ अलाउ टू नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज? यस, इट्स बाई लॉ नंबर 67 एंड 43C एंड गवर्नमेंट जी आर नो सर्कुलर विच सर्कुलेटेड इन द 2001. तो दोस्तों आई होप आपके डाउट्स और क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं क्लियर है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. व्हेनेवर आई विल फ्री आई विल रिप्लाई टू यू
एंड अगर आपको कुछ अदर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी जब फ्री होऊंगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटीज में, सोसाइटीज के ग्रुप्स में, ताकि मेंबर्स को ये रूल रेगुलेशन एंड बायलॉज के बारे में जानकारी मिलती रहे। जानकारी जहाँ पे भी है वहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और जहाँ पे जानकारी नहीं है आपको भी मालूम है कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।